पाते, ये अध्यक्ष घोष नहीं पाते। जब बात करते हो आप, आपने कहा लाइन ऑर्डर, अरे गर्व करें, इनको दर्शन करने दिया है क्या? इनका तो गधा लेके इनका मुंह तोड़ देने का काम। तरह की बात मत करिए ऐसी बात। राम भक्तों किसी ने गोली से चलने किया, उसको आने का कौन सा अधिकार? आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुंह तोड़ देना वगैरह इस तरह की बातें नहीं। धोबी और चमारों से लिए हुए पैसे से यदि भगवान को भोग लगेगा, उससे यदि प्रसादी बनेगी तो वो भी अपवित्र हो जाएगी। यह खबर तो आप लोगों को पता होगी ही, क्योंकि जब से अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की बारी आई है, दूर दराज से बड़े बड़े सामान आ रहे हैं, गदा घी इतना ही बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सवाल भी उठ सकता है कि धोबी और चमारों जैसे छोटी बिरादरी से लिए हुए पैसे से यदि भगवान को भोग लगता है तो वो अपवित्र हो जाएगा, यानी वो प्रसादी नहीं रहेगी। चलिए हम इसको विस्तार से बताते हैं। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जितनी तेजी से सियासत बढ़ी है, उसी तरह लोगों को बहिष्कार किया भी जाना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं अगर लोग कहते हैं कि मैं दलित हूं, लोग कहते हैं कि मैं शूद्र हूं, लोग कहते हैं मैं छोटी जाति से आता हूं या मैं मीडियम क्लास से आता हूं, तो कान खोल के सुन लीजिए, आपके लिए बहुत ही बड़ी और अहम खबर है। आइए सीधे हम बताते हैं इस खबर से। इस व्यक्ति को तो आप पहचान रहे होंगे, यह है अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी जिनका नाम है राजू दास जी। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, नीचे राम मंदिर है और यहाँ पे कांग्रेसी और तथा कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया था, जो झंडा पारने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ अखिलेश जी है, यहाँ वो लेटर है जो राजस्थान में वायरल हुआ था, वो एप्लीकेशन दिया गया था कि कुछ लोग हमसे पैसे लिए और कहा कि हम अयोध्या मंदिर में लगाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो पैसा वापस देने चला है। बात आखिर क्या थी, आइए बताते हैं। राजस्थान में एक जगह पे कुछ लोग जाते हैं, जो धोबी परिवार के लोग चमार परिवार के लोगों से जाते हैं, चंदा वसूलते हैं कि हमें आप पैसा दो, क्योंकि अयोध्या मंदिर बना है, वहां कुछ लगाना है, प्रसाद में वितरण करना है। जब वो पंडितों के पास जाते हैं और पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा चमार और धोबी परिवार से मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं चलेगा, प्रसादी जो है कि पवित्र अपवित्र हो जाएगी, उसको वापस लौटा दो। लेकिन वही तक बात नहीं बनती है, एक और जब से खबर वायरल हुई, जब से ये कांग्रेस का जो झंडा तोड़ा जा रहा था, फोटो फाड़ा जा रहा था, तब समझ में आया कि भैया कहीं ना कहीं ये जो राम मंदिर है ब्राह्मणों की बपौती है। मैं इसलिए कह रहा हूं ब्राह्मणों की बपौती, क्योंकि जो राजू दास जी हैं सीधे आक्रमण कर रहे हैं कि कांग्रेस वालों को तो किसी ने बुलाया नहीं है, सपा वालों को तो किसी ने बुलाया नहीं है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्या कह रहे हैं राजू दास जी। ये आके बोल पा रहे हैं, बोल नहीं पाते, ये अध्यक्ष घोष नहीं पाते। जब बात करते हो आप, आपने कहा लाइन ऑर्डर, अरे गर्व करें, इनको दर्शन करने दिया है क्या? इनका तो गधा लेके मुंह तोड़ देने का काम। तरह की बात मत करिए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं नहीं, आक्रामक भाषा, ये मुंह तोड़ देना वगैरह वाली भाषा ठीक नहीं है। राम भक्तों किसी ने गोली से चल नहीं किया, उसको आने का कौन सा? अब देखिए, ब्राह्मण है ये, पंडित जी है, यानी कि वहाँ के पुजारी है अयोध्या के, इनका कहना है कि इनको तो ऐसे लोगों को अयोध्या में घुसने देना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो सिर तोड़ देना चाहिए गदा मार करके। अब सोचिए, क्या ब्राह्मण अभी भी दलित शूद्र के लोगों को अपना समझते हैं? तो सीधा जान लीजिए कि जो राम मंदिर बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ढोंगी पुजारियों के लिए बन रहा है। जो राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए किया जाना है। आप अगर आप सपा के कार्यकर्ता है या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो सिर्फ आपको बुला करके आपके साथ घात किया जाएगा। देखिए इन लोगों के साथ आखिर क्या हो रहा है, सिर्फ यही ना कि इन्होंने अपने पार्टी का झंडा लेकर गए थे, अगर झंडा लेकर नहीं जाएंगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि भैया कांग्रेस वाले भी आएंगे? ऐसे तो लोगों को लगेगा कि भैया बस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले ही वहां पे शामिल होने आए थे। लेकिन सपा वाले भी कम नहीं, सपा के कुछ लोग भी वहां पहुंचे हैं,
हैं भैया अपने आराध्य राम जी का दर्शन करना है, और उससे भी पहले जब मीडिया वालों ने पूछा कि ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या बात है, तो इनका जो बयान था इसका बयान से तो सच में कसम से गुस्सा आ गया। मन कर रहा था कि सच में ऐसे पुजारी के साथ ऐसा क्या कर दिया जाए, लेकिन कंट्रोल योर सेल्फ, हमने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन जो राजू दास है इन्होंने सीधा दलित शूद्र के लोगों को नीचा दिखाने का काम किया। ये नहीं चाहता कि सपा के लोग आए, ये नहीं चाहता कि कांग्रेस के लोग आए, ये चाहता है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग आए। यह कह रहा था कि राम भक्त को पे गोली चलाने वालों को यहाँ जरूरत नहीं है। इसको क्या पता था, इसको क्या पता था कि नहीं राम भक्त कब जो है कि गोली चली थी, इसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसको ये भी नहीं पता होगा कि पढ़ा लिखा कितना है। साथियों, पुजारियों की यह स्थिति है, और पुजारी कभी आपको ये नहीं चाहेंगे, ब्राह्मण और पंडित कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप इस मंदिर में आप पूजा करने आए तो उनके मन से ना चले, ये अपने मन से चलाने का प्रयास करेंगे। देखिए जिस तरह से मंच पे इसके बयान से बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है। अभी भी आप लोगों को लगता है कि सच में ये जो राजवाड़ा मंदिर बना हुआ है सभी श्री रामचंद्र जी के चाहने वालों के लिए, तो खबरदार, ध्यान से सुन लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ पंडित और ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ये ब्राह्मणों की बपौती है, बीजेपी का बपौती समझते हैं, ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग आए। भैया आप चंदा तो दे दिए हैं, चंदा देकर भी जिस तरह से दलित और धोबी जाति के लोगों को फंसाया जा रहा है, उनका पैसा वापस कर दिया गया, उनका चंदा वापस कर दिया गया, आने वाले समय में आपको भी कुछ नहीं समझा जाएगा। जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं, ये भी क्या कांग्रेस में कौन लोग थे, ब्राह्मण रहे होंगे, क्षत्रिय रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे, अब कुछ परसेंट दलित रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि दलित जो है कि राम मंदिर जाएगा पूजा करने के लिए। ये राजू दास पुजारी है, जिस तरह से घटिया बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके बातों से लग रहा है कि सच में ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा करा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, ये जातिवाद करते हैं, ऐसे लोग जातिवाद करते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लोग भी अब नहीं जाएंगे, कांग्रेस के लोग भी अब नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अब दिखावा बन के रह जाएगा, और जो भी राम मंदिर में पूजा करने जाएगा वो समझ लीजिएगा कि वे लोग बीजेपी के लोग होंगे, अगर नहीं भी बीजेपी के लोग हुए तो मान लिया जाएगा कि बीजेपी की संख्या इतनी भारी थी इसलिए आने वाले समय में ईवीएम का फायदा उठा करके लोग मोदी जी को पीएम बनाने से नहीं रह पाएंगे। साथियों आपकी राय क्या है, फिलहाल बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन बहुत लोग हैं, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी राम मंदिर में जाना चाहते हैं, या सच में आप भी दिए हुए पैसे को वापस लेना चाहते हैं। बाकी देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस, शुक्रिया।